प्रणाम प्रभु। प्रणाम। तो रावण ने पुनः एक दूत को हानि पहुंचाने की चेष्टा की। हाँ प्रभु, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिस प्रकार एक नेत्रहीन व्यक्ति को सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाया जा सकता, ठीक उसी प्रकार उस दुष्ट रावण को सद्बुद्धि देकर धर्मोचित सन्मार्ग पर नहीं लाया जा सकता। पृथ्वी से उसके पाप कर्मों को मिटाने का मात्र एक उपाय शेष रह गया है प्रभु, उसका वध। अन्यथा उस दुष्ट रावण को रोकना असंभव हो जाएगा। सावधान, प्रतीत होता है हमारी ओर कोई मायावी अस्त्र प्रक्षेपित किया है उस दुष्ट रावण ने। डट जाओ तुच्छ नर और वानर, अन्यथा विनाश निश्चित है। इस तुच्छ वानर का भी और इसके स्वामी इस वनवासी नर का भी। डट जाओ, डट जाओ। युद्ध तो अब होकर ही रहेगा। हाँ हाँ, युद्ध अनिवार्य है। हाँ हाँ प्रभु, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। हाँ प्रभु, हम तैयार हैं, लंका को मिटा देंगे हम। अपने प्रहारों से भेद देंगे लंका की सुरक्षा को, खंडित करेंगे लंका की सुरक्षा को, बांट देंगे लंका की खाइयों को, लंका में प्रवेश करेंगे हम, आ देंगे लंका के परकोटे, विजयी होंगे हम। शक्तिशाली श्री राम की आक्रमण, आक्रमण, प्रकार युद्ध का होना अनुचित है। मुझे शीघ्र इसे रोकने का कोई उपाय करना होगा। उनको रोकना असंभव प्रतीत हो रहा है। रक्षा करो अपने प्राणों की। युवराज मेघनाथ, सहायता कीजिए।
कहीं ये अकस्मात आरंभ हुआ आक्रमण हमारी सेना पर ही भारी न पड़ जाए। रोको इन दंड बाण रखो। पिताश्री, मेरे इस बाण के प्रभाव से इन वानरों के शस्त्र हमें नहीं इन्हें ही आहत करेंगे। अवैध सुरक्षा कवच कैसे उत्पन्न हो गया? सभी अपनी सुरक्षा करें। हे प्रभु, हमारी रक्षा करें। भागो! भागो! अपने वानर सैनिकों की रक्षा के लिए मुझे इस मायावी सुरक्षा कवच को भेदना होगा। ये वानर क्या करने जा रहा है? की मायावी असुरी शक्ति है जिसे तोड़ना असंभव है। असंभव इस मायावी कवच को तोड़ना नहीं, अपितु हनुमान के साहस और दृढ़ निश्चय को भेदना है। मेघनाथ, Serena!
हम प्रभु श्री राम के सैनिक हैं, इसलिए युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन करना हमें शोभा नहीं देता। हमसे क्या भूल हुई है हनुमान? भूल? तुम सबने जो किया वो किसी पाप से कम नहीं था। क्या करने जा रहे थे तुम सब? क्या प्रभु श्री राम ने तुम्हें आक्रमण करने का आदेश दिया था? क्या प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण युद्ध के लिए आगे बढ़े? किस आधार और किसकी आज्ञा पर युद्ध प्रारंभ किया आपने? ये कैसे युद्ध की मर्यादा है? उत्तेजना, उतावलेपन, भावावेश में बहकर या आत्मविश्वास की पराकाष्ठा से प्रभावित होकर युद्ध नहीं किया जा सकता। युद्ध नीति और नेतृत्व से ही विजय प्राप्त होती है। अपने नेतृत्व को भूलकर, बिना सोच विचार कर आगे बढ़ने की आपकी भूल से प्रभु श्री राम को कितना दुख पहुंचा होगा, इसका अनुमान भी है आपको? अब हमें चलकर प्रभु श्री राम से क्षमा याचना करनी चाहिए। एक बात मैं भली भांति समझ गया हूं, इस प्रकार आप सभी के प्राण संकट में डालने की अनुमति नहीं दे सकता मैं। हनुमान उचित कहते हैं, इस प्रकार नेतृत्वहीन युद्ध करने से हमारी संपूर्ण सेना क्षतिग्रस्त हो सकती है, जो मैं सहन नहीं कर सकता। इसलिए मैंने निश्चय कर लिया है कि आप में से किसी को भी अपने प्राण संकट में नहीं डालने दूंगा मैं, भले ही ये युद्ध मुझे अकेले क्यों ना करना पड़े। न्याय, धर्म, नीति और युद्ध के नियमों पर आधारित युद्ध ही करूंगा मैं। इसलिए महाराज सुग्रीव, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अति शीघ्र अपनी सेना के साथ यहां से लौट। दिशाहीन युद्ध करके स्वयं को क्षति पहुंचाने से अच्छा है युद्ध से पलायन करना। किसी भी दल को नेतृत्व के निर्देश के बिना कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, अन्यथा दल की हानि हो सकती है। मुझे शीघ्र ही अंगद को हटाना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। के सभी महायोद्धा इस राम दूत के पांव स्पर्श करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप प्रभु श्री राम के पांव पड़ने में क्यों संकोच कर रहे हैं लंकेश? मेरे पिता के मित्र हैं आप, पिता तुल्य हैं, इसलिए आपसे अपने पांव को स्पर्श करवाना मेरे लिए पाप होगा। ये मर्यादा मैंने प्रभु श्री राम कि आप अति शीघ्र
अपनी सेना के साथ यहाँ से लौट जाए। दिशाहीन युद्ध करके स्वयं को क्षति पहुंचाने से अच्छा है युद्ध से पलायन करना। महाराज सुग्रीव, प्रभु, मैं संपूर्ण वानर सेना की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूं। प्रभु, हैं तो सब वानर बुद्धि ही ना, आप चाहें तो इस मूर्खता के लिए हमें कठोर से कठोर दंड दें, किंतु यहां से वापस जाने जैसा दंड ना दें। यहां से वापस जाने से अच्छा तो होगा कि हम अपने जीवन का अंत कर दें। प्रभु प्रभु, हम अपनी देह का त्याग कर सकते हैं, परंतु आपको इस प्रकार छोड़कर नहीं जा सकते। प्रभु, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। प्रभु, प्रभु, वानर स्वभाव चंचल होता है, इसलिए भूल हो गई इनसे। पहली भूल समझकर क्षमा कर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्रभु, आगे से संपूर्ण वानर सेना आप ही के बनाए हुए नियम और आदेशों का पालन करेगी। प्रभु, सब भालू वानर भक्तों से राघव हुई भूल भारी, दंड के हम उद्दंड अधिकारी। किंतु ना ऐसा क्षमाशील कोई, करुणा करा पंकज पद के सोई। करबद्ध हम है क्षमा दो कृपाला, हे दीन बंधु दीन दयाला। श्री राम, जय राम भजमन, जय नाथ निर्गुण पाप निकंदन। उठिए मित्र सुग्रीव। आप सबको प्रतीत हो रहा होगा कि मैं कुछ अधिक ही कठोर हो गया हूं। इस युद्ध को विजित करने के लिए और अपने सैनिकों के जीवन को अनावश्यक हानि से बचाने के लिए हमें कठोर नियमों एवं अनुशासन का पालन करना आवश्यक है। हाँ हाँ प्रभु, हम आपके द्वारा निर्धारित नियमों का कठोरता से पालन करेंगे प्रभु। हाँ, हम पालन करेंगे प्रभु। पालन करेंगे, पालन करेंगे, पालन करेंगे, पालन करेंगे, पालन करेंगे, पालन करेंगे। उचित है। तो अब हमें कल होने वाले युद्ध के लिए नियम एवं रणनीति का निर्धारण कर लेना चाहिए। श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। विभीषण जी, आप तो रावण के बारे में सब जानते हैं, आप ही बताइए सर्वप्रथम वो क्या करेगा, कौन होगा उसका प्रथम लक्ष्य? रावण
चतुर है। उनका प्रथम एवं सर्वपरि लक्ष्य होगा आपका एवं भ्राता लक्ष्मण का वध करना। जिससे युद्ध के आरंभ में ही युद्ध का अंत हो जाए। क्षमा करें विभीषण जी, आज रावण ने जो हमारी विशाल वानर सेना का उत्साह, ओज और शक्ति देखी है, उसे ध्यान में रखते हुए वो सर्वप्रथम उस शक्ति और उत्साह को निष्क्रिय करने का प्रयास करेगा। और किसी भी सेना की शक्ति उसके राजा से होती है, अतः उसका सर्वप्रथम लक्ष्य महाराज सुग्रीव हो सकते हैं। सुग्रीव ही होगा हमारा प्रथम लक्ष्य, उसके अंत के साथ ही उसकी विशाल सेना का भी अंत, और उसके पश्चात वो वनवासी नर अपने घुटनों पर चलता हुआ आएगा हमारी शरण में। ये है संपूर्ण वानर सेना। आप चिंतित ना हो महाबली, मैं स्वयं जाऊंगा उस सुग्रीव का अंत करने। हनुमान का अनुमान सत्य है। महाराज सुग्रीव की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। अतः महाराज सुग्रीव सदा सेना के मध्य में ही स्थित रहेंगे और उनके निकट हमारे महाबली योद्धा विभिन्न सुरक्षा पंक्तियां बनाकर इन्हें चारों ओर से घेरे रहेंगे। नहीं प्रास्त, तुम नहीं, हमारे रक्ष योद्धाओं में अनेक तरुण योद्धा है, जिनमें से एक है महाविनाशक योद्धा अग्नि केतु, जो क्षण भर में अपने रसायन से गला कर किसी को भी भस्म कर सकता है। ये अग्नि केतु उन सभी वानरों को पिघला कर भस्म कर देगा जो सुग्रीव की सुरक्षा में लगे हुए हैं। मैं स्वयं महाराज सुग्रीव की सुरक्षा में रहूंगा और मेरे साथ लक्ष्मण भी रहेंगे। हम महाराज की निकटतम पंक्ति में रहेंगे। हमारे धनुर्धारी होने का अतिरिक्त लाभ हमारी आगे वाली उस सेना को प्राप्त होगा जो आगे जाकर तीन भागों में बटी हुई होगी, जिसका नेतृत्व हमारे सर्वश्रेष्ठ योद्धा करेंगे। तो ठीक है, प्रभु श्री राम की सामने वाली पंक्ति का नेतृत्व मामा श्री जामवंत और युवराज अंगद करेंगे, और उनके सामने आने वाले शत्रु को ढेर करने के लिए आगे होंगे महाबली नल, नील और सुसेन जी, और उनके पीछे दूसरी पंक्ति में गवई, गवाक्ष और गंधमादन। कितु स्मरण रहे, भ्राता रावण आकाश एवं पाताल से भी आक्रमण करने की क्षमता रखते। यदि प्रभु का आदेश हो तो मैं किसी ऐसे उच्च शिखर पर स्थिर रहूंगा जहां से दोनों ओर होने वाली गतिविधियों पर दृष्टि रख सकूं। भ्राता रावण क्रूर है, वो बर्बर एवं महाविनाशकारी आक्रमण करके महाराज सुग्रीव को क्षति पहुंचा सकते हैं। सत्य कहा आपने महाराज विभीषण, किंतु हनुमान रावण के किसी भी बर्बर आक्रमण को सफल नहीं होने देगा।
और तब हमें महाविध्वंस फैलाने वाला एक ऐसा योद्धा चाहिए जो समस्त वानरों को तितर बितर कर दे, इससे सुग्रीव के वध का मार्ग सुगम में हो जाए। भ्राता लंकेश, इस कार्य के लिए यज्ञकूप को भेजा जा सकता है। यज्ञकूप के भीषण चिंगाड़ के उठने वाली तरंगे इतनी घातक है कि निकट में खड़े वह बड़े से बड़े योद्धा के कंठ फट जाते हैं। उत्तम, अति उत्तम। यज्ञकूप को उचित समय पर हम आक्रमण के लिए भेजेंगे, जिससे कि समुचित रूप से ध्वंस हो सके इन वानरों का। अब प्रश्न ये उठता है कि कल होने वाले युद्ध का नेतृत्व इस महाबली योद्धा को सौंपा जाए। वैसे तो सेना के नेतृत्व के लिए भ्राता कुंभकर्ण ही भ्राता रावण का प्रथम चुनाव हो सकते थे, क्योंकि वो महाशक्तिशाली महाविनाशकारी शक्तियों से संपन्न है, किंतु वो इस समय इंद्रामग्न होंगे। किंतु विभीषण जी, मेरे विचार से रावण किसी पर विश्वास ना करके स्वयं युद्ध करने के लिए आगे आ सकता है। नहीं, जब तक अति आवश्यक नहीं होगा रावण स्वयं को संकट में नहीं डालेगा। वो अपने ही समान किसी शक्तिशाली महाबली योद्धा का चुनाव करेगा। मेघनाद पर उसे पूर्ण भरोसा है, वो कल युद्ध के लिए उसे ही नेतृत्व के लिए भेजेगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।